बंदर का क्रूज लगा दिया है 101 डे, और यहाँ की जो स्पीड लिमिट है वो 120 है, बट हम उतना नहीं चलाएंगे, अपनी कंट्रोल में रखना चाहते हैं बंदर को। देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बादलों के पैचेस के साथ सूरज की ये ब्यूटीफुल मॉर्निंग का व्यू आप देख रहे हैं वो हमारे साथ, और मैं भी इस व्यू को एंजॉय कर रही हूँ। वाओ, और वडोदरा के लिए अब हमको लेफ्ट लेना है, तो हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे एंटर कर जाएंगे, और हम पहुंच गए हैं माउंट आबू, जिसे हे गाइस वेलकम बैक टू वही चैनल, और आज सचिदा एक और रोड ट्रिप आपको दिखाने वाली है। तो हम जा रहे हैं मुंबई से माउंट आबू, तो मुंबई से माउंट आबू का डिस्टेंस है लगभग 750 किलोमीटर, और अभी रात के बजे है 12:30, तो अब हम निकल रहे हैं, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, पूरा पैकिंग कर लिए, सामान पूरा पैक करके अब हम निकल रहे हैं। और कितना टाइम लगता है हमें रोड ट्रिप करने में आपको पता ही है कि कितना मजा आता है, तो चलिए अब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये जोत जला रखी है हमारी माता रानी की, जोत जल रही है, और अब हम निकल रहे हैं रोड ट्रिप के लिए। तो हमने पूरी तैयारी कर दी है और नवरात्रि चल रहे हैं, तो देख लिए हमारे घर का ये भक्तिमय रूम है हमारा, ये भगवान जी का ही रूम हमने बनाया है, तो लेके प्रभु का नाम, तो लेट्स फॉलो मी। हमारा सामान पूरा लोड हो चुका है, और इतना सारा लगेज हमारे साथ चल रहा है गाड़ी के अंदर, गाड़ी फुल हो चुकी है क्योंकि 4 दिन का ट्रिप है, तो किसी चीज़ की कमी ना रहे, तो वो सारा ले लिया है। अब इसको अनलॉक करती हूँ। जय बजरंग बली। यहाँ से माउंट आबू तक का कितना टाइम लगता है, कितना डिस्टेंस कवर करती है हमारी बंडर, वो सब आपको ब्लॉग के एंड में पता चलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अब ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो आ जाइए हबी जी, और अब आपको लेके चलती हूँ माउंट आबू, और ये माउंट आबू ट्रिप हमारी एक स्पेशल और खास दिन के लिए हमने प्लान की है, तो वो कौन सा खास दिन है वो आपको ब्लॉग के आगे पता चलेगा। चलिए जय बजरंग बली। तो अपनी डेस्टिनेशन हमने डाल दी है, और गूगल हमें दिखा रहा है 14 आवर 18 मिनट्स, और 762 किलोमीटर डिस्टेंस है हमारा। तो गेट हमारा हो गया है बंद क्योंकि 1:15 हो चुका है, गणपति बप्पा मोरिया। तो आज बंडर जा रही है प्रिंसेस फ्लाईओवर से, हमारी जर्नी स्टार्ट आज होगी, इधर से हम कम निकलते हैं बंडर। तो मुंबई का ये मिडनाइट का व्यू आप देख रहे हैं, बिल्कुल शांत वातावरण है, है मुंबई नगरिया, देख बबुआ स्वामी इधर का नजारा देखो, फ्लाईओवर क्या ब्यूटीफुल, लुक लाइट भी लग गई है ना, बड़ा सोना व्यू आ रहा है, पूरा जाल बिछा है इधर। तो हम लोग माउंट आबू के लिए निकल चुके हैं घर से, और बरली पहुंच चुके हैं, पर काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, नाइट में ड्राइविंग का एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है।
तो जो लोग नाइट ड्राइव करते हैं वो प्लीज कमेंट करके बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं नाइट ड्राइव जब करती हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है क्योंकि ट्रैफिक नहीं मिलता है और आराम से स्मूथ आप ड्राइविंग एंजॉय कर सकते हो। तो वर्ली शीलिंग का हम मजा ले रहे हैं, बिल्कुल शांति है, वंडर अकेले मटक रही है ऐसा लग रहा है, आगे पीछे दूर दूर गाड़ियां हैं, काफी डिस्टेंस मेंटेन है। हमको टाइम हो चुका है लगभग 3 घंटे और जो हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है वो है 136 किलोमीटर, तो 46 के आसपास की एवरेज अभी आ रही है। अभी 5 मिनट बाकी है 3 घंटे होने में, तो हमने लगभग 3 घंटे की ड्राइविंग कंप्लीट कर ली है और मुंबई से जैसे ही निकले दहिसर के बाद ट्रक का भरमार और बहुत जाम, भयंकर जाम मिला। 627 किलोमीटर बचा है हमारा डेस्टिनेशन, 11 hours 19 minutes और अभी फिर से कुछ जाम है। यस, क्योंकि ये सीमेंटेड रोड बन रही है NH 48, तो कुछ दिनों बाद हमें अच्छी ड्राइविंग करने को मिलेगा मौका, तो हम लगाएंगे फिर से चौका। तो फिर से हम जाम में फंस चुके हैं और ट्रक का जाम आप देख सकते हैं जगह जगह, थोड़ी थोड़ी दूर बाद ट्रक का जाम फंसा देता है हमको, जिस लेन में हम होते हैं उसी लेन में जाम लग जाता है। क्रॉस करने वाले हैं महाराष्ट्र को और एंटर करने वाले हैं गुजरात, और 4 बजने ही जा रहा है, ओनली 3 मिनट बाकी है, तो लगभग हम 4 बजे ही एंटर करेंगे गुजरात को। किस तरह से, तो हम एंटर कर रहे हैं गुजरात और ये है जिग जैग। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होने के लिए इस तरह की डिवाइड जिगजैग का सामना करना पड़ता है भाई। हम लोगों को स्टार्ट किए हुए लगभग 5 घंटे हो गए हैं, तो ड्राइविंग टाइम है 4 hours 46 minutes और जो हमने डिस्टेंस कवर किया है अभी तक वो है 240 किलोमीटर, तो 50 की एवरेज स्पीड आ रही है अभी और इधर रोड बड़ा मस्त है और टाइम हो गया है सुबह के 5:45। हम चल रहे हैं इस वक्त गुजरात में,
वलसाड़ भी क्रॉस कर लिया है हमने। अब जो शायद नेक्स्ट मेजर सिटी है वो सूरत। फास्ट था पर टक से खुल गया और अभी टाइम हो गया है सुबह के 6:25 और हमने जो अभी तक डिस्टेंस कवर कर लिया है वो है 250 किलोमीटर्स। तो लगभग 50 की एवरेज से हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी थोड़ी देर में सनराइज होगा। तो सूरत बचा है 51 किलोमीटर और हम लोग NH-48 पर ड्राइव कर रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है। अब रोशनी भी हो गई है तो भीनी भीनी मॉर्निंग और काफी इंजॉयबल ड्राइविंग चल रही है। तो लगभग अभी 9 घंटे हमें और लगेंगे माउंट आबू पहुंचने में और 509 किलोमीटर अभी डिस्टेंस हमारा बाकी है जो 3:30 बजे का हमारा वहां पहुंचने का टाइम बता रहा है गूगल। तो आई होप इसको बीट भी कर सकते हैं और इससे डिले भी हो सकते हैं, वो तो आगे पता चलेगा। तो ब्लॉग को एंड तक वॉच कीजिए तभी आपको पता चलेगा कि हमें कितने आवर्स लगे मुंबई से माउंट आबू आने में और हमने कौन सा रूट फॉलो किया, वो सारा आपको इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग के थ्रू मिलती जाएगी और रोड कंडीशन कैसी है। हबी जी yes. कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, काफी मजा आ रहा है। सुबह हो चुकी है, 6:30 हो गया है और आप 90 पे क्रूज कर रहे हो। यस, और अभी सूरत 46 किलोमीटर बचा है। तो हम भरूच से बड़ौदा, अगर सही लिंक मिल गया तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे भी कोशिश करेंगे कि भरूच से बड़ौदा तक उस पर ट्रैवल करें, उस पर ड्राइव yes. करें। तो बने रहिए हमारे साथ। तो सनराइज हो रहा है और टाइम हुआ है 6:34। तो ये सूर्य भगवान निकल आए हैं और बादलों से धीरे धीरे पूरे निकल आ चुके हैं। तो स्काई देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बादलों के पैचेस के साथ सूरज की ये ब्यूटीफुल मॉर्निंग का व्यू आप देख रहे हो हमारे साथ और मैं भी इस व्यू को एंजॉय कर रही हूँ। वाओ, गैलेप्स फूड प्लाजा में रुक चुके हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह यूज़ करेंगे और देखते हैं। अभी एक्चुअली 7:15 हुआ है तो ब्रेकफास्ट भी यहीं कर लेंगे क्योंकि आगे कितना टाइम लगेगा वो पता नहीं है। तो हम आ चुके हैं संकल्प में और हम अब यहाँ ब्रेकफास्ट करके ही जाएंगे। तो हमारा आ गया है ब्रेकफास्ट और हमने लिया है मसाला डोसा एंड विथ चटनी, ग्रीन चटनी और ये है नारियल चटनी एंड सांभर। तो अभी जी स्टार्ट ब्रेकफास्ट अर्ली मॉर्निंग। यस, 7:45 हो चुका। तो ब्रेकफास्ट हो गया अपना कंप्लीट
और अब अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं माउंट आबू के लिए। सचिन आ चुकी हैं ड्राइविंग सीट पे, ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है डन और अब यहाँ से सचिदा ने कमांड संभाल ली है। यस, तो टम्मी हो गया है फुल और अब कंटिन्यू ड्राइविंग करते हैं अपनी डेस्टिनेशन माउंट आबू के लिए। तो टाइम हो गया है 8:15 और ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और अभी हम पहुंचने वाले हैं भरूच। तो भरूच लगभग 30 किलोमीटर्स है यहाँ से, तो अभी ये देखते हैं कि भरूच से बड़ौदा तक हमें पता है कि दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे है वो शायद स्टार्ट हो गया है वो स्ट्रेच। तो अगर कहीं पे हमको साइन बोर्ड मिलेगा, टर्न मिलेगा, तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे, नहीं तो फिर अपना ओल्ड जो NH 48 है वही रूट कंटिन्यू ड्राइव करेंगे और मौसम तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा गर्मी लग रही है अभी बाहर, हमने जब ब्रेकफास्ट किया था तो धूप में अभी भी तपन है, अभी मतलब मॉर्निंग की है तपन, 8 बजे अभी अप्रैल आ गया है तो जनरली गर्मी शुरू ही हो जाती है। यस, जो अभी हमारा जो डिस्टेंस है वो है 436 किलोमीटर बचा है, तो लगभग 7.5 घंटे हमें लगने वाले हैं ऐसा गूगल बता रहा है। और जो हमने अभी तक डिस्टेंस कवर कर लिया है वो ऑलमोस्ट 330 किलोमीटर है, तो इस 330 किलोमीटर को कवर करने में हमें लगभग 6 घंटे लगे हैं। yes. तो अब देखते हैं कि जो हमारा बचा हुआ डिस्टेंस है 436 किलोमीटर उसमें कितना टाइम लगता है। तो हम अभी ट्रेवल कर रहे हैं गुजरात में और इसके बाद फिर हम एंटर करेंगे राजस्थान। 6 लेन हाईवे है तो काफी मस्त हाईवे है, बढ़िया है, यहाँ पर ट्रैफिक जनरली इस हाईवे पे ज्यादा रहता है बट आज नहीं है, सूरत के आसपास ज्यादा रहता है या अब शायद भरूच के आसपास भी मिलेगा, तो लेट अस सी, देखते हैं कि ट्रक्स का थोड़ा सा रहता है बट अभी थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग ही है तो हो सकता है कि इतना भी ना मिले, मोर ओवर आज ईद भी है इसकी वजह से भी हो सकता है थोड़ा सा ट्रैफिक आज कम हो। जी हाँ, तो हम जा रहे हैं माउंट आबू और माउंट आबू में कहाँ हम स्टे करेंगे ये आपको आगे पता चलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ, ब्लॉग को एंड तक वॉच कीजिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर स्टे कर रहे हैं और कौन कौन सी जगह हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और हम आ चुके हैं भरूच टोल प्लाजा पे और ये हो गया है क्लियर फास्ट टैग हमारा बहुत फास्ट है और अभी आने वाला है नर्मदा ब्रिज। या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए हमें लेफ्ट लेना है आगे से, तो आगे से रास्ता शायद मिलेगा हमें। yeah. साइन आ चुका है दिल्ली मुंबई
मुंबई एक्सप्रेस में हम ड्राइव करेंगे आज। और ये आ चुका है नर्मदा रिवर के ऊपर ब्रिज, काफी एंटीक ब्रिज है और अच्छा लगता है। तो ये है मुंबई वडोदरा और एक दहेज, मुंबई वडोदरा के लिए लेफ्ट टर्न है। और वडोदरा के लिए अब हमको लेफ्ट लेना है, तो हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे एंटर कर जाएंगे। अब हम एंटर कर रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ये है वडोदरा के लिए एंट्री पॉइंट और टाइम हुआ है 9:36। यस, तो हम सेकंड टाइम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे एंटर कर रहे हैं। यस yes. और ये है टेराटन सीमेंटेड जो हमें लेकर जाएगा दिल्ली दिल्ली दिल्ली। ये आ गया है टोल, चलो पे करते हैं कितने खूबसूरत सफर के लिए। फर्स्ट टोल प्लाजा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का। यस, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। रियली यही तरह ना गुनगुनाने का जी चाहता है। भरूच से हमने ज्वाइन किया है और हम जा रहे हैं, आपको तो हमने पहले ही बता दिया है कि अब हम जा रहे हैं माउंट आबू, राजस्थान का हिल स्टेशन। हमने अपने बंदर का क्रूज लगा दिया है 101 पे और यहाँ की जो स्पीड लिमिट है वो 120 है, बट हम उतना नहीं चलाएंगे, अपनी कंट्रोल में रखना चाहते हैं बंडर को, ओवर स्पीड नहीं करना चाहते हैं, मस्त इस रोड का एंजॉय करना चाहते हैं, इस रोड को फुली एंजॉय करना चाहते हैं, इस सफर को।
अब ये ब्लॉग काफी लंबा हो जाएगा, तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आगे की यात्रा आपको देखने को मिलेगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ब्लॉग अभी तक का पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से माउंट आबू तक की जर्नी आपको धमाकेदार अगले ब्लॉग में देखने को जल्द ही मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे ब्लॉग को पूरा एंड तक वॉच कीजिए। थैंक यू।